चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको जो है तो ये इंडिपेंडेंट टीवी का सिग्नल आसानी से कैसे सेट करें ये बता रहा हूँ। तो ये देखिए, अभी जो है तो हमारा इंडिपेंडेंट टीवी का बॉक्स जो है तो सिग्नल नहीं पा रहा है। ये देखिए, मैं अभी आपको ये सिस्टम सेटअप में जाकर आपको ये इसका सिग्नल दिखा देता हूँ। ये टीपी लिस्ट में आके देखिए, ये जो है तो दोनों तरफ 0-0% बता रहा है, मतलब कि हमारा जो है इंडिपेंडेंट का सिग्नल नहीं आ रहा है। तो मैं आसानी से आपको बताता हूँ कि एकदम ज़्यादा कुछ नहीं, 5 सेकंड में आप इसका सिग्नल जो है तो सेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डिश की ओर। तो ये देखिए, मैं ये देखिए दोस्तों, मेरा डिश जो है तो ये आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है कि अपने डिश को जो है तो जो DD फ्री डिश है, जो DTH है, उसमें अपने सिग्नल को जो है तो सेट कर लेना है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो ये देखिए, आपका एक साइड में और डिश, ये फ्री डिश लगा हुआ है, ये DD फ्री डिश का सिग्नल सेट है। अब आपको लिए चलते हैं अपने डिश की ओर, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको सेट करना है। तो ये देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये सबसे ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, ये DD फ्री डिश पर सेट है। तो आपको अपना डिश जो है DD फ्री डिश पर सेट कर लेना है। और ये जो ऊपर वाला है, ये वीडियो कान का लाइन सेट किया हुआ है मैंने। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये DD फ्री डिश से हल्का अपने एंटीने को राइट साइड 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर जो है, मतलब 10 mm आपको मूव कर देना है। और अप डाउन कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, केवल आप 5 सेकंड में अपने इंडिपेंडेंट टीवी का सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मित्रों, अब मेरा जो है तो इंडिपेंडेंट का सिग्नल सेट हो चुका है। अब आई चलते हैं टीवी स्क्रीन की ओर। तो अब देखते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट का सिग्नल आ चुका है। और ये देखिए, ये पूरे चैनल का सिग्नल जो है तो आ चुका है। आपको मैं ये चला के दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही आसानी से आप इंडिपेंडेंट टीवी का सिग्नल जो है तो सेट कर सकते हैं। ये देखिए, HD चैनल का सिग्नल भी आ गया है। और तो अब आप जो है तो ये वीडियो देखने के बाद आसानी से अपने इंडिपेंडेंट टीवी को जो है सिग्नल को जो है तो सेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।